माँ नर्मदा का सभी नदियों में एक उत्तम स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। गंगा में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह माँ नर्मदा का स्नान मात्र करने, माँ नर्मदा के दर्शन करने मात्र से उस फल की हमको प्राप्ति हो जाती है। किसी मनमंत्र की कथा में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शिव की बदन पुत्री है माँ नर्मदा। किसी मनमंत्र में यह कथा आई है कि भगवान शिव जब तपस्या में रत थे, तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से 12 वर्ष की कन्या के रूप में माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो किसी मनमंत्र में, किसी ग्रंथ में ऐसी भी कथा आई है कि राजा मैखल हुए हैं, उनकी कन्या के रूप में माँ नर्मदा ने जन्म लिया। और राजा मैखल ने जब अपनी कन्या नर्मदा को विवाह योग्य देखा तो उसका विवाह में करूं, तो उन्होंने घोषणा की, एक प्रतिज्ञा की कि जो भी वर या जो राजकुमार या जो राजा गुलकाबली का पुष्प मेरी कन्या के लिए लेकर के आएगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या नर्मदा का विवाह करूंगा। कई राजा आए, कई राजकुमार आए, लेकिन ऐसा प्रयास करने में वे सब विफल हुए। इसके उपरांत जब राजकुमार सोनभद्र आए, तो राजकुमार सोनभद्र ने उस गुलकाबली के पुष्प को लेकर के आए और राजा को दिया, तो राजा ने माँ नर्मदा का और सोनभद्र का विवाह करना तय कर दिया उनका विवाह। एक दिन नर्मदा के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि जिस राजकुमार के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है, वह राजकुमार कैसा है, एक बार मैं उसके साथ मिलकर के कुछ वार्तालाप करना चाहूंगी। तो उन्होंने अपनी एक सखी थी, जो उनकी सखी भी थी और दासी भी थी, उसका नाम था जुहिला, उसके साथ मिलने का संदेश लेकर के जुहिला को पहुंचाया। लेकिन बहुत दिनों तक जुहिला जब वापस नहीं आई, तो नर्मदा ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो जुहिला जो है वह राजकुमार सोनभद्र के पास मिली, जिसको देख करके नर्मदा जी को बहुत क्रोध आया। उसने मेरे विवाह तय किए हुए विवाह को बिगाड़ने का प्रयास किया है, ऐसा विचार करके वे क्रोधित हुई और उल्टी दिशा में चल दी। इसलिए जब से माँ नर्मदा ने चिरकुंवारी रहने का भी संकल्प लिया और विपरीत दिशा में, हमारे देश की सभी नदियां जिस दिशा में बहती हैं उससे विपरीत दिशा में माँ नर्मदा प्रभावमान है, और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के माँ नर्मदा सागर में मिल जाती है।